मुरादाबाद उधार के पैसे मांगने पर मेडिकल संचालक को दबंगों ने पीटा। पीड़ित ने की नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी से शिकायत। पीड़ित सलाउद्दीन निवासी ग्राम सराय खजूर थाना छजलेट ने बताया कि वह एक मेडिकल संचालक है। 4 माह पूर्व ग्राम के ही युवक विवेक पुत्र राज्यपाल ने उससे करीब 650 रुपए की दवा उधार ली थी। जब पीड़ित सलाउद्दीन ने विवेक से अपने उधार के पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित के मुताबिक विवेक ने पैसे देने के बहाने सलाउद्दीन को एक सुनसान जगह पर बुलाया और उसके साथ मारपीट कर फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने संबंधित थाना को इस घटना के बारे में अवगत कराया। पीड़ित का आरोप है कि थाने पर किसी तरह की कोई सहायता नहीं की गई। फिर पीड़ित ने नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी से पूरी घटना को अवगत कराया। वहीं नवागत एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या नाम है भाई आपका? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन जी सर, क्या मामला है आपके साथ? सर मेरे साथ लूटमार। पूरा मामला बताओ। मेरे पैसे थे विवेक पे, दवाई ली थी उसने 650 रुपये, मैंने उससे उधार पैसे मांगे और उसने जो है कहा कि शाम को, आज तुझे शाम को पैसे ही देता हूँ। कई 4 महीने तक टालता रहा। फिर मैंने कल 10 बजे फ़ोन किया उसे, फिर उसने कहा कि आज शाम को तुझे पैसे दे दूँगा। किस चीज़ के पैसे दे? दवाई के पैसे दे। आपने लिए थे या उन्होंने? मेरे पास से, मेरा मेडिकल है, दवाई लेकर के गया था मुझसे उधार। अच्छा, उधार दवाई लेकर गया था। तो आपने उससे पैसों को मांगा? जी मैंने पैसे मांगे उससे, तो कहता कि आज तेरा शाम को हिसाब चुकता कर दूँ। कितने पैसे थे? 650 रुपये। तो फिर पैसे ना देने पे क्या हुआ? पैसे नहीं दिए उसने, फिर शाम को लड़के लगा दिए रोड पे। मैं मेडिकल बंद करके गया चकपेरी से, अपना 8:20 पे चकपेरी से मेडिकल बंद करके गया भैंडी फरीदपुर के रास्ते पे। उसने मेरे साथ लड़के लगा के मारपीट कर और मेरे 4,500 रुपये जेब से निकाले। कितने लोग थे वो? 6 लोग थे, जिन्हें मैं 3 लोग पहचानता हूँ, 3 करोड़। इस संबंध में किसी से शिकायत की आपने? थाना अध्यक्ष के पास गए हम रात। कौन से थाने पर? थाना छजलेट। आप किससे मिल रहा है? अब यहाँ एसएसपी साहब के पास आए थे। क्या चाहते हो? सर न्याय चाहते हैं। थाने से अभी तक कोई कार्रवाई हुई? थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कप्तान साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? कप्तान साहब ने कह दिया आपका काम हो जाएगा, घर जाओ।